हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर पुलकित शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पैरामाउंट होम क्रिएशन में। दोस्तों, आज से हम एक और नए प्लेलिस्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है वास्तुशास्त्र और हमारा घर। इसमें आपको वास्तुशास्त्र और हमारे घर के रिलेटिव सभी टॉपिक क्लियर किए जाएंगे, जैसे कि वास्तुशास्त्र क्या होता है, वास्तुशास्त्र का महत्व क्या होता है, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा मकान कैसा होना चाहिए, जैसे रसोई कौन सी दिशा में होना चाहिए, पूजा घर कौन सी दिशा में होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम कहाँ होने चाहिए, सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए। और इसी के साथ यदि हमारा बना बनाया मकान है और वह वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं है, उसमें कोई वास्तु दोष है, तो उसका निवारण कैसे किया जाता है, उनको भी हम क्लियर करेंगे। आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो वास्तु को नहीं मानते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। और अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र और हमारे घर का पहला टॉपिक, यानी वास्तुशास्त्र क्या होता है, वास्तुशास्त्र का उद्भव कहाँ से हुआ और वास्तु का हमारे मकान और ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम जानेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे, जिससे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे वास्तुशास्त्र क्या होता है। वास्तुशास्त्र प्राचीन काल से चली आ रही जीवन उपयोगी एक विद्या है, जो कि एक भवन निर्माण की कला भी है, जिसमें व्यक्ति को ऐसा भवन निर्माण करके दिया जाता है जिसमें वह स्वयं को वातावरण के पंच तत्व और प्रकृति के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में समायोजित करता है, जिससे व्यक्ति उसका अधिकतम लाभ उठाकर अपने उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे वास्तुशास्त्र का उद्भव कहाँ से हुआ। तो वास्तुशास्त्र का उल्लेख प्राचीनतम ग्रंथों ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। इसके अतिरिक्त विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र, मत्स्य पुराण ऐसे प्राचीन ग्रंथों में भी इनका उल्लेख किया गया है, और देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा को वास्तुशास्त्र का आचार्य माना गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जाना वास्तुशास्त्र क्या होता है और वास्तुशास्त्र का उद्भव कहाँ से हुआ। अब हम बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन और हमारे मकान पर क्या प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र की तुलना चिकित्सा विज्ञान से हम इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि स्वस्थ जीवन के कुछ नियम निर्देश होते हैं, वैसे ही बेहतर जीवन के वास्तु के भी कुछ नियम निर्देश होते हैं। यदि आप अपने मकान को वास्तु के नियम निर्देश के आधार पर नहीं बनाते हैं तो उसका नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में जरूर पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में समान ही नेगेटिव प्रभाव पड़े। कुछ व्यक्ति के जीवन में कम प्रभाव पड़ सकता है और कुछ व्यक्ति के जीवन में अधिक नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वास्तु दोष कितना प्रभावी होगा यह व्यक्ति के जीवन में इस बात पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति के ग्रह योग कितने प्रबल है। इसलिए बेहतर तो यही होता है कि यदि आप वास्तु को मानते हैं तो आप अपने मकान को वास्तुशास्त्र के अनुसार ही बनाएं, ताकि आपका जीवन बहुत ही अच्छे से चल सके। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि वास्तुशास्त्र क्या होता है, वास्तुशास्त्र का उद्भव कहाँ से हुआ और वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन और हमारे मकान पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार आगे भी वीडियोस आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, मकान से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।